गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती की अपन ने धार्मिक विचार, सामाजिक विचार आपने पढ़ा। सामाजिक विचार में आपने पढ़ा कि दयानंद सरस्वती बाल विवाह का विरोध करते हुए तथा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए मूर्ति पूजा का, सॉरी वो तो धार्मिक उसमें आएंगे, सामाजिक में, और विशेष करके महिलाओं की शिक्षा के ऊपर उन्होंने बल दिया। यही कहा कि जब तक महिला को साक्षर नहीं किया जाएगा तो वह राष्ट्र समाज अधूरा ज्ञानी रहेगा। इसलिए महिला को साक्षर करना अति आवश्यक है, क्योंकि जब स्त्री और पुरुष से मिलकर समाज का निर्माण किया जाता है तो उसी प्रकार से पुरुष को हर चीज की जानकारी और स्त्री को नहीं, तो इससे भी क्या है कि अपना राष्ट्र है वो पीछे रहेगा। इसलिए महिलाओं को, स्त्रियों को, इनको भी क्या है, शिक्षा का ज्ञान पूरी तरह से होना चाहिए, उनके अधिकारों के बारे में उनको पता होना चाहिए। और आपने जो धार्मिक विचार पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि धार्मिक विचार के अंदर दयानंद सरस्वती एकेश्वरवाद, यानी उनका यही कहना है कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, हम सभी उन्हीं की संतान है। जो अलग अलग मंदिर में अलग अलग प्रतिमाएं रखी हुई है उनकी, उनके हिसाब से वह उनमें पूजा पाठ करते हैं, तो उनका यही कहना है कि जो करोड़ों रुपए जो मंदिर वगैरह इनमें लगाए जाते हैं, ये पैसे यदि समाज के निर्माण के लिए लगाया जाए, राष्ट्र के निर्माण के लिए लगाया जाए, तो शायद अति सुंदर होगा। लेकिन ईश्वर एक है और वह है उसमें, मूर्ति में कहाँ है। यदि मूर्ति में ईश्वर होता तो जो एक चूहा उस मूर्ति के ऊपर फुदक रहा है, नीचे कूद रहा है, वापिस जा रहा है, जंप लगा रहा है, उसको जो उन पे चढ़ी हुई, जो भी मतलब श्रद्धालुओं के द्वारा जो भी उन पे भेंट चढ़ी हुई थी उनको बार बार में कुतर रहा है, तो वह यही तो अनुभव किया उन्होंने कि जब एक मूर्ति को अपन पूजा ईश्वर मानते हैं और उस वो मूर्ति अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रही है, तो भला फिर ईश्वर मूर्ति में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मूर्ति में ईश्वर नहीं है, पत्थर में ईश्वर नहीं है। ईश्वर जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो आत्मा से परमात्मा का मिलन है, वही ईश्वर है, वही सच्चा ईश्वर है। तो इसलिए उन्होंने काफी धार्मिक विचारों में भी काफी उन्होंने अपने मत प्रकट किए। आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो है राजनीतिक विचार। राजनीतिक विचार के अंदर भी क्या है कि वह संचालन करने के लिए आचार संहिता प्रस्तुत की तथा उसकी एक अंग में रूप राजनीतिक प्रणाली के सिद्धांतिक, संस्थागत व व्यवहारिक पक्षों पर क्या है प्रकाश डाला उन्होंने। उन्होंने यही कहा कि व्यवस्थित मीमांसा नहीं की, लेकिन प्रयोजन राज्य के संगठन, राज्य की शक्ति पर नियंत्रण तथा राज्य की सुरक्षा आदि के विषय में स्पष्ट दृष्टिकोण को प्रतिपादन किया है। तो सबसे पहला इन्होंने राजनीतिक विचार में है वो है व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह, यानी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से रह के अपने कार्य को करेगा। राज्य और व्यक्ति के संबंध तथा राज्य द्वारा व्यक्ति के अधिकारों की औपचारिक मान्यता के विषय में विवेचन तो नहीं किया, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति आग्रह जरूर किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने घोषित कर दिया कि व्यक्ति को आत्मोन्नति के प्रयत्न करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होना चाहिए, यानी पूर्ण रूप से व्यक्ति स्वतंत्र होकर अपने कार्य को नहीं करेगा तो वह उस कार्य में सफल नहीं होगा। इसलिए उन्होंने यही कहा है, दयानंद सरस्वती ने कहा है कि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्र रूप से होकर के, आत्मनिर्भर होकर के अपने कार्य को करना चाहिए, जिससे क्या उनको सफलता मिलेगी। व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन वह व्यक्ति की स्वतंत्रता में समाज अथवा राज्य के हस्तक्षेप का निषेध करते भी कहा है कि व्यक्ति स्वच्छता समर्थन नहीं करते, स्वच्छंदता का समर्थन नहीं करते। उन्हें यही कहा कि आचरण के सामाजिक नियमन के आवश्यकता को स्वीकार किया और कहा यह अपेक्षा की कि सामुदायिक हित और सामाजिक कल्याण की दृष्टि से व्यक्ति को अपने व्यवहार पर समाज अथवा राज्य द्वारा आरोपित प्रतिबंधों को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए।
तो इसलिए उन्होंने, दयानंद सरस्वती कहता है कि सबसे पहली जो राजनीतिक जो विचार है उनका है व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति किसी भी कार्य को स्वतंत्र रूप से होके यदि उस कार्य को नहीं करता है तो वह व्यक्ति असफल माना जाता है। इसलिए व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाए और वह अपने कार्य को, चाहे वो समाज हो चाहे वो देश हो, तो वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर यदि किसी कार्य को करता है तो वह निसंकोच ही सफलता की ओर जाता है। यह भी कहा कि आत्मोन्नति के प्रति व्यक्ति के समर्पण और इस संदर्भ में उसकी स्वतंत्रता का सामाजिक हित से कोई टकराव हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर किसी कार्य को करेगा तो वह किसी भी समाज से कभी भी किसी प्रकार की टकराव यानी किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और वह हर कार्य को बहुत ही आसानी से कर दिखाएगा। एक जागृत और विवेकशील व्यक्ति सबके सुख के लिए स्वतः ही प्रयत्नशील होता है। जिसको व्यक्ति को स्वयं को जिस चीज़ की जानकारी होती है वह व्यक्ति क्या होता है, जागरूक होता है और वो समाज को भी जागरूक स्वतः ही कर लेता है। ऐसा दयानंद सरस्वती ने कहा है कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए बल्कि सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। चाहे कोई भी अधिकारी हो, यदि अधिकारीगण है उसको यदि किसी उच्च पद पे बैठा दिया उस पद पे तो वह क्या सोचेगा कि मैं तो अब इस पद में बैठ गया, अब मेरा तो कोई नीचे वाला कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए जो भी मतलब मैं जो निर्णय ले रहा हूँ वो सही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा दयानंद सरस्वती का यही कहना है कि जो व्यक्ति दूसरे के कार्य को करने में संतुष्टि रखेगा वही व्यक्ति उन्नति करेगा, बाकी वो कभी भी उन्नति की ओर नहीं जा सकता क्योंकि उसको स्वयं को ही जानकारी नहीं है। यदि स्वयं को जानकारी नहीं होगी और वह व्यक्ति उस कार्य को करेगा तो वह जो आगे वाला जो व्यक्ति है उसको परेशान करेगा। तो इसी का मतलब दयानंद सरस्वती का यही कहना है कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, क्या है कि सबकी उन्नति में ही अपनी क्या है उन्नति समझनी चाहिए और वही व्यक्ति क्या करता है, विकास करता है, वही उन्नति की ओर बढ़ता है। व्यक्ति की गरिमा के प्रति आग्रह दयानंद के चिंतन में भली भांति स्पष्ट हो गया होगा, लेकिन व्यक्तियों को अनिवार्य समता सभी व्यक्तियों के लिए, शिक्षा को समुचित अवसरों के समर्थन, व्यक्ति के कर्तव्यों पालन व निर्भीकता तथा अन्याय के प्रतिकार के लिए बड़ी से बड़ी शक्ति संघर्ष करने की क्षमता की अपेक्षा करके उन्होंने व्यक्ति की गरिमा के प्रति आग्रह को रेखांकित किया है। यानी कितनी भी बड़ी चाहे समस्या आ जाओ लेकिन व्यक्ति यदि अपने स्वयं के विवेक से किसी दूसरे का भला करेगा तो उसके सामने बड़ी से बड़ी जो शक्ति हो, बड़ी से बड़ा जो संघर्ष होता है वो भी आसानी से सफल हो जाता है। इसलिए दयानंद सरस्वती का यही कहना है कि सबसे पहला जो राजनीतिक विचार है वो है व्यक्ति की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से रह करके अपने कार्य को करें ताकि उसमें क्या है कि वह सफलता पाए और वो राष्ट्र और देश के लिए तथा समाज और परिवार के लिए सभी के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन, अगला जो पॉइंट है अपना राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन। दयानंद ने यह हस्तक्षेप सिद्धांत का समर्थन नहीं किया कि राज्य एक उद्देश्यपूर्ण संस्था है जो व्यक्ति के भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अस्तित्व में है। मनु, कौटिल्य आदि प्राचीन विचारकों की भांति अपर्याप्त प्राप्त के संरक्षण, संरक्षित के संवर्धन और संवर्धित के पात्रता के अनुरूप समुदाय में न्यायमन वितरण को दयानंद राज्य के मूल परियोजना के रूप में परिभाषित करते हैं। उन्हें राज्य के अनिवार्य कार्यों में पिता के सदृश प्रजा को पालन की है। यानी आपने जो पढ़ा है, कौटिल्य पढ़ा है, मनु पढ़ा है, इसमें क्या दिया है कि प्रजा के साथ में, कौटिल्य कहता है कि प्रजा के साथ में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, जिस तरह से पिता पुत्र के साथ, पिता पुत्र के साथ में संकोच होके, निस्वार्थ होके उसके साथ में जुट करके उनके कार्य में लग जाते हैं। उसी प्रकार से एक जो सफल व्यक्ति, सफल राजा वही होता है जो अपनी प्रजा में पिता पुत्र का संबंध रखता हो। शिक्षा को समुचित व्यवस्था के माध्यम से प्रजा का बौद्धिक विकास, कृषि, वाणिज्य आदि की भी उनको क्या देता रहेगा, जानकारी देता रहेगा, जिससे क्या है कि प्रजा यदि किसी कार्य को नहीं जान पाती है तो उसको जानकारी दे करके वह अपना जीवन निर्वाह आसानी से कर सके।
नैतिक कल्याण को सम्मिलित किया है और ये कहा है कि शासक प्रजा के कल्याण और उसकी सुरक्षा के प्रति दायित्व के प्रति समर्पित रहकर ही प्रजा का स्वाभाविक आज्ञाकारिता तथा शासन के प्रभावशीलता के प्रति आश्वस्त हो सकता है। यानी कई तरह के व्यक्ति होते हैं, राजा दयानंद सरस्वती ने भी कहा है कि कई तरह के व्यक्ति होते हैं, कई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए ही जिंदा रहते हैं कि मेरा स्वार्थ सिद्ध हो गया, अब मैंने बहुत बड़ी मतलब मंजिल हासिल कर ली, अब मेरा जीवन आगे चलता रहेगा। कई व्यक्ति होते हैं कि वो संघर्षशील होते हैं लेकिन वो राष्ट्र और समाज के लिए ही समर्पण रहते हैं कि नहीं, जब तक मेरी प्रजा दुखी है तो मैं स्वयं चैन होकर के बैठ नहीं सकता। जब तक कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है तो मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मुझे इसका नॉलेज है, इससे इसका मुझे जानकारी है, तो मैं इस व्यक्ति को इस कार्य तक पहुंचाऊं, इसका लाभ दिलाऊं और उसके बाद में ही मैं आगे का कार्य करूं। तो इस तरह से कई तरह की आलोचनाएं समालोचनाएं होती हैं व्यक्ति स्वयं के लिए और एक सबको लेकर के। दो तरह के व्यक्ति की उन्होंने विश्लेषण किया है कि एक तो व्यक्ति होता है जो स्वयं के लिए और एक व्यक्ति होता है सबको लेकर के। तो इसलिए हर व्यक्ति को अपना जो राष्ट्र का, अपना जो देश का, अपना परिवार का संचालन करना होता है तो सबको साथ लेकर के ही करें ताकि उनको भी सफलता मिले और उसका परिवार आगे बढ़े। धन्यवाद।